संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले दोनों को ब्लेस करता हूँ। तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो अपने सत्संग की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिए हुए नंबर पर आप ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। संगत जी, हम आपका सत्संग फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संगत जी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी। सत्संग में कभी आना है तो गुजारिश सबसे यही होती है कि सत्संग में टाइम से पहले आओ। आप जैसे अब स्कूल है, स्कूल में बच्चों को भेजते हो, सब बच्चों को भेजते हैं, सुबह उठाते हैं, मारते हैं उसको, डांटते हैं, ब्रश कराते हैं जल्दी जल्दी से कि जल्दी चल का बस निकल जाएगी, तो स्कूल वाले जो है घुसने नहीं देंगे, यही कहते हैं ना, और बाहर कर भेजते हैं उनको, पर खुद यहाँ पर नहीं आते। ये भी तो एक स्कूल है, वो अगर पढ़ाई का स्कूल है तो ये कर्मों का स्कूल है। यहाँ कर्म बढ़ाए जाते हैं और कर्म कटवाए जाते हैं। अगर कर्म बढ़ाए जाए और कर्म कटवाने के स्कूल में अगर सही समय पर नहीं आ पाए आप, तो मुझे नहीं लगता है कि आप, हाँ आप ये जरूर करते हो कि अगर आपको पिक्चर देखने जाना है तो वहां आप एडवर्टाइजमेंट से पहले पहुंच जाओगे। सही बात है। क्यों? क्योंकि वहां 3 घंटे कहीं कोई सीन ना निकल जाए, जो एक झूठ है, जो एक मिथ्या है, जो एक एक छलावा है, पिक्चर ज्यादा छलावा होती है, वो आपको वो चीज दिखाते हैं जो जिंदगी में पॉसिबल ही नहीं है। पर हमारे गुरु महाराज, हमारे परमात्मा आपको वो चीज सिखाते हैं जो आपके साथ जाएगी। कहते हैं ना कि ना धन जाएगा, ना दौलत जाएगी, ना कुछ जाएगा, साथ में कौन जाएगा? कर्म जाएगा। और कर्म के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, दौलत के लिए सारे दिन की बातें करते हैं। तो जो झूठ बोल रहे हैं, अब हम ये सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, पर प्रभु तो देख रहे हैं ना। हम अनजाने में छोटा सा झूठ बोल के अपन अपने कर्म दुष्कर्म बढ़ा लेते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम सोचते हैं कि प्रभु तो प्रभु क्या है, प्रभु तो प्रभु के तो हम बच्चे हैं, प्रभु थोड़ी हमसे नाराज होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, हम उनके बच्चे हैं, प्रभु किसी से नाराज नहीं होते। हाँ ये जरूर है कि प्रभु एक काम, अब जैसे स्कूल में आप बच्चा लेट पहुंचा 5 मिनट तो स्कूल में घुसने नहीं देते, स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। हम सोचते हैं यहाँ तो आंटी ने बिठाया, लेट भी आए, चाय पिलाई है, फिर साथ में जो है जल पान भी दिया है और फिर आदर सत्कार भी दिया है, तो हमें कौन निकालेगा यहाँ से। पर आपको ये पता है कि गुरु जी आप संसार से तो नहीं निकालेंगे आपको, क्योंकि तो कट नहीं आपने, पर गुरु जी अपने दिल से निकाल देंगे आपको। बहुत बढ़िया, जय गुरु जी, शुक्राना। अपने दिल में उन बच्चों को नहीं रखेंगे जो बच्चे उनकी बात मानते नहीं है या उनको वो मक्कारी करने के पोजिशन में आ जाते हैं कि अरे हमें क्या है, थोड़ा मक्कारी तो हो गई है क्या है?